Very good evening to all of you. I am Dr. Biren Singh. Today I would like to discuss what are the difference between the chronic vector and expression vector. Aaj is lecture mein hum discussion karenge chronic vectors kya hote hain, expression vectors kya hote hain. So today we will discuss about the chronic vector as well as expression vector. What do you mean and what do you understand about the chronic vectors? What are the expression vectors? कभी कभी question पूछा जाता है भाई chronic vectors क्या है, expression vectors क्या है, तो आप उनका exact answer क्या mention करेंगे, chronic vectors क्या होते हैं, expression vectors क्या है. Chronic vectors versus expression vectors. Chronic vectors क्या होते हैं? Chronic vectors is a DNA molecule that used to carry a foreign DNA into the host cell. Cloning vector क्या होते हैं? Cloning vector का मतलब ये vector, ये बाहक होते हैं. Cloning माने जीन, cloning में यूज किए जाते हैं, vector माने बाहक. Cloning vector क्या होते हैं? ये vector is a DNA molecule. Vector क्या होते हैं? Vector जो होते हैं वो DNA molecule है, याद रखिएगा. Cloning vector ये DNA molecule. क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं? डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो यूज माने प्रयोग किए जाते हैं कैरी माने ले जाने के लिए. किसको? फॉरिजन डीएनए यानी जो बाहरी डीएनए है उसको अपने अंदर इंसर्ट कर लेंगे और लेकर इंटर कर जाएंगे होस्ट सेल में फॉर देयर मल्टीप्लिकेशन. तो ऐसे समझिए क्लोनिंग वेक्टर जो होते हैं वो डीएनए मॉलिक्यूल के बने होते हैं. किसी भी फॉरिजन डीएनए को अपने अंदर इंसर्ट कर लेते हैं और इंसर्ट करने के पश्चात वो होस्ट सेल में इंटर कर जाते हैं. ठीक है. दूसरी बात, इट हैज द एबिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन. क्लोनिंग वेक्टर्स के पास, इट हैज माने इसके पास, एबिलिटी माने क्षमता, सेल्फ रेप्लिकेशन माने स्वयं द्विगुणन की, इसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की एबिलिटी पाई जाती है. इट हैज द एबिलिटी ऑफ द सेल्फ रेप्लिकेशन एंड इंटीग्रेटेड माने जुड़ना, एकीकृत होना इनटू द होस्ट सेल. तो क्लोनिंग वेक्टर के पास सेल्फ रेप्लिकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनके पास सेल्फ रेप्लिकेशन की एबिलिटी होती है. इंटीग्रेटेड माने होता है एकीकृत होना या जुड़ना, इंटीग्रेटेड हो जाते हैं होस्ट सेल के अंदर. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच वी हैव टू कीप इन माइंड दैट द क्लोनिंग वेक्टर्स दे हैव द एबिलिटी ऑफ द सेल्फ रेप्लिकेशन. इनके पास सेल्फ रेप्लिकेशन की एबिलिटी पाई जाती है. क्लोनिंग वेक्टर्स के पास सेल्फ रेप्लिकेशन माने स्वयं के द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है एंड जब सेल्फ रेप्लिकेशन करते हैं एंड इंटीग्रेटेड माने एकीकृत हो जाते हैं किससे, होस्ट सेल में. जैसे मान लीजिए कोई क्लोनिंग वेक्टर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड पाया जाता है वो क्लोनिंग वेक्टर है. प्लाज्मिड को बाहर निकालने के प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल है. ये जो बैक्टीरिया का मेल क्रोमोसोम है उसके अतिरिक्त होते हैं ये. तो मिला करके क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो कि कैरी करते हैं, किसको ले जाते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं किसी फॉरेन डीएनए को अपने अंदर इंसर्ट कर लेते हैं और ले जाते हैं होस्ट सेल के अंदर. दूसरी बात, इसके अंदर एबिलिटी होती है सेल्फ रेप्लिकेशन की एंड इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट सेल, होस्ट सेल में जाकर के जुड़ जाते हैं. तीसरी बात, दे कैन दे कंटेन द रिलैक्स रेप्लिकेशन कंट्रोल. इनके अंदर रिलैक्स रेप्लिकेशन कंट्रोल होता है. रिलैक्स माने एकदम निश्चित, रेप्लिकेशन माने रेप्लिकेशन को कंट्रोल माने नियंत्रित करने वाली. सो दैट दे कैन प्रोड्यूस द मल्टीपल कॉपीज इन ईच ट्रांसफॉर्म सेल. इसलिए ट्रांसफॉर्म होता है चेंज, फॉर्म में स्वरूप, जितनी भी परिवर्तित सेल होती है, जितनी भी ट्रांसफार्म सेल होती है उनके अंदर मल्टीपल कॉपीज बनाने की एबिलिटी होती है. एग्जांपल है प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, फाइजमिड एंड कॉस्मिड. तो दिस इज द क्लोनिंग वेक्टर. क्लोनिंग वेक्टर के बारे में ऐसे समझिए, क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, किसी भी फॉरेन डीएनए को अपने अंदर इंसर्ट कर लेते हैं और इंसर्ट करने के बाद उस फॉरेन डीएनए को कैरी करते हैं और ले जाकर के होस्ट सेल में एंटर कर जाते हैं जैसे बैक्टीरिया में, फॉर इंक्रीजिंग देयर कॉपीज. एक्सप्रेशन वेक्टर्स क्या होते हैं? इट इज प्लाज्मिड और वायरस. ये प्लाज्मिड भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं. दैट इज स्पेशली डिजाइन फॉर द एक्सप्रेशन एक्सप्रेसिंग जीन इन ए सेल. इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनका ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट एक्सप्रेशन वेक्टर क्या है? प्लाज्मिड होते हैं, याद रखिएगा. एक्सप्रेशन वेक्टर्स आर आइदर द प्लाज्मिड, एक्सप्रेशन वेक्टर्स आर आइदर द वायरसेस. ते यार स्पेशली डिजाइन, विशेष रूप से इनका जो डिजाइन होती है, जो इनका ढांचा होता है, किसके लिए बनाया जाता है? एक्सप्रेस वाले प्रदर्शित करना या दिखाना, किसका हो? जीन का, सेल के अंदर. तो
इनको मिला करके स्पेशल वेक्टर या तो प्लाज्मिड होते हैं या तो वायरसेस होते हैं। इनको इनका विशेष ढांचा इसलिए बनाया जाता है, स्पेशली इसलिए डिजाइन किए जाते हैं क्योंकि किसी सेल के अंदर जीन को एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं। दे आर गोइंग टू हेल्प इन द जीन एक्सप्रेशन इन ए सेल। तो किसी भी सेल के अंदर जीन को एक्सप्रेस करने में, जब जीन एक्सप्रेस होगा तो या तो आरएनए बनाएगा, आरएनए बनेगा तो फिर प्रोटीन बनेगी। तो इनका काम है जीन का एक्सप्रेशन करना। जब जीन एक्सप्रेस होगा दे आर फॉर्मिंग द डिजायर्ड प्रोटीन। एक्सप्रेशन वेक्टर या तो प्लाज्मिड होते हैं या वायरसेस होते हैं। दे आर डिजाइंड स्पेशली फॉर एक्सप्रेसिंग जीन इन ए सेल। इफ द सेल इज गोइंग, इफ द जीन इज गोइंग टू बी एक्सप्रेस इन एनी पर्टिकुलर सेल देन देयर इज नो डाउट देयर द सिंथेसिस ऑफ आइदर द आरएनए और देयर विल बी द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इट इज वेक्टर, वेक्टर होते हैं वाइडली यूज्ड इन प्रोटीन प्रोडक्शन। इट इंपॉर्टेंट है, इनका मुख्य यूज किया जाता है प्रोटीन के प्रोडक्शन में। दे आर वाइडली यूज्ड इन द प्रोटीन प्रोडक्शन। दे हैव बेसिक फीचर लाइक, ये वेक्टर होते हैं इनका ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है प्रोटीन के प्रोडक्शन में क्योंकि ये जीन को एक्सप्रेस करेंगे और जीन का एक्सप्रेशन होगा तो प्रोटीन प्रोड्यूस होगी। दे हैव बेसिक फीचर लाइक, इनके अंदर बेसिक फीचर माने आधारभूत लक्षण पाए जाते हैं जैसे कि क्लोनिंग वेक्टर में होती है। ओआरआई माने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेलेक्टेबल मार्कर एंड इंसर्शन साइट। इंसर्शन साइट माने जहां, इंसर्शन साइट क्या है, जहां से कोई फॉर एग्जांपल डीएनए जो होता है वेक्टर के अंदर एंटर करता है। सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, जैसे एमपीआर है, टीपीआर है जो प्रोवाइडिंग द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स। ये दो इसके एक्सप्रेशन वेक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो इनकी खासियत है। एग्जांपल है प्लाज्मिड एंड समटाइम वायरसेस। प्लाज्मिड जो है एक्सप्रेशन वेक्टर का काम करता है, कभी कभी वायरसेस जो होते हैं दे आर वर्किंग एज एक्सप्रेशन वेक्टर एंड दे हैव द कैपेसिटी दैट दे कैन वर्क वर्किंग एज द एक्सप्रेशन वेक्टर। तो प्लाज्मिड एंड सम वायरसेस हैव द एबिलिटी, आर यू कैन से दे हैव क्वांटिटी द एबिलिटी ऑफ द एक्सप्रेशन वेक्टर्स। तो इनके पास एबिलिटी होती है कि एक्सप्रेशन वेक्टर का कार्य करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोनिंग वेक्टर एंड एक्सप्रेशन वेक्टर। आई होप दैट यू मस्ट बी अंडरस्टैंड्स। I would like to repeat in one or two minutes. Cloning vector से आपके DNA molecule होते हैं जो किसी भी foreign DNA को carry करके host cell में ले जाते हैं। The vector जो DNA molecule that used to carry carry माने ले जाना foreign DNA माने किसी बाहर के DNA को, किसी बाहर के DNA को जो superior quality का DNA होता है उसको अपने अंदर insert करते हैं और ले जाकर के host में enter करते हैं। इनके अंदर ability होती है cell replication की और किसी host cell में जाकर के integrate होने की। इनके अंदर relaxed replication control होता है जिसके द्वारा multiple copy बनाते हैं transparent cell में। एग्जाम्पल है प्लाज्मिड बैक्टीरिया का फेजिड एंड फास्मिड। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लोनिंग वेक्टर एंड एक्सप्रेशन वेक्टर। आई होप दैट यू मस्ट बी अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अगर आप कुछ पर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।